हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ की। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की। हमने पुराने वीडियो में बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटीज़। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। आज हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ की, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिव्यू हम लोग एक बार कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। उनका क्लासिफिकेशन होता है पोलर वेक्टर्स के रूप में। जैसे अगर आप लोग बात करें फोर्स की, तो फोर्स एक जो है पोलर वेक्टर्स है। इनके इसके बारे में भी मैंने अपने वीडियोज़ में समझा रखा है। फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक होता है एक्सियल एक्सियल वेक्टर्स, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ये सारे एग्जांपल है एक्सियल के। इनकी खासियत, अब वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और स्केलर क्वांटिटीज वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? न्यूमरिकल वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या कहेंगे? सपोज आप कहते हैं 50 kg, तो आपने सिर्फ क्या बताया? न्यूमरिकल वैल्यू। ये जो है ये इसकी यूनिट है। यहाँ पे कहीं पे भी आपने डायरेक्शन की बात नहीं की है। डायरेक्शन नहीं भी बताएंगे तो कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो पेन है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है इसकी लेंथ जो है वो 13 या 14 सेंटीमीटर हो, तो आपने क्या बताया है? 13 सेंटीमीटर। मतलब आप क्या बता रहे हैं? न्यूमरिकल वैल्यूज। वैसे ही अगर हम लोग फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है। स्केलर में भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज बढ़ जाती है, डायरेक्शन। मैंने आपसे कहा कि ये जो फुटबॉल है मुझे यहाँ पे लाना है, तो इस पे आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स? तो बतौर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, इस पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सपोज किसी ने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, लेकिन इधर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? बॉल यहाँ पे आएगी क्या? नहीं आएगी। बॉल कहाँ चली जाएगी? इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन साथ साथ में क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन। मतलब आपको इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 2 न्यूटन। और वो इसको हम लोग ईस्ट बोलें, वेस्ट बोलें, नॉर्थ बोलें, तो उसको बोले साउथ। तो ये 2 न्यूटन फोर्स तो आपको अप्लाई करना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आपका डिफरेंस भी हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे वीडियोज़ अपकमिंग हैं, प्लेलिस्ट देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।